हेलो दोस्तों, एसकेलेटर स्टोर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो देखिए, मेरे सामने होम थिएटर रखा है। इसमें ऑडियो वीडियो वो मतलब सॉरी ऑडियो ऑडियो की जो पिन है, इनपुट आउटपुट, ये ख़राब है। वैसे ऑडियो वीडियो में भी लगती है, पर देखिए इसमें जो ऑडियो ऑडियो की लगी है तो मैं ये नई वाली लगाऊंगा इसमें। तो देख लीजिए आप मैं इसको कैसे लगाऊंगा। तो इसको मैं खोल कर रखा हूँ, देखिए इसके एक दो पेज जो है वो खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आएगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन पर ऑल में नोटिफिकेशन क्लिक कर लो, जिससे कि आपको हर एक वीडियो में लेटेस्ट सबसे पहले मिलती रहे। आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा तो ठीक है, वरना आप कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए मैंने ओपन कर लिया है। इस पर साइड में ग्लू गन लगी रहती है। पहले तो हम इसकी सोल्डिंग हटा लेंगे, और इसमें दो पेच वगैरह भी लगे रहते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए पहले हम इसकी सोल्डिंग हटा लेंगे, क्योंकि इसमें सोल्डिंग हुई हुई है। ये इनपुट के हैं और वे आउटपुट के हैं स्पीकर के, जो रेड और ये येलो आपको दिख रहा है, ठीक है। और जो वाइट वाला दिख रहा है, ये इनपुट सेक्शन है इसका। इनपुट सेक्शन के लिए दो ही पिन यूज़ होती हैं, आउटपुट सेक्शन के लिए चार पिन भी यूज़ होते हैं। पहले दो ही होती थी, क्योंकि दो स्पीकर लगाते थे, ठीक है। तो देखिए मैंने हटा ली है एक तरफ, तो इस पर ग्लू लगी हुई है, इस ग्लू हटा देंगे और छील के इसको बाद में ऐसे ही लगा देंगे। आपको ग्राउंड और पॉजिटिव पॉजिटिव देख लेना है बोर्ड में कौन सा है। बोर्ड के कनेक्शन आपको नहीं आते तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने चैनल पर डाल रखी है। तो इसको एक तरफ रख देंगे हम, क्योंकि मैं इसको छोल के रख लूँगा पहले ही। तो देखिए अब मैंने इसको हटाना है, कैसे हटाना है। सबसे पहले तो इसके दो पेच खोल लेंगे, आगे इसके आगे की तरफ दो पेच लगे हुए हैं, देख लीजिए ये रहे। तो इसको शायद स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके पेच खोल लेंगे, पेच की सहायता से दोनों पेच आराम से खोल लें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का लगा होता है पीछे, और जो पीछे होता है किसी किसी में प्लाईवुड का आता है, तो किसी जो लोकल होम थिएटर रहते हैं उसमें भूसे का आता है, वो आप समझ रहे होंगे, जो भूसा होता है, गोबर नहीं होता वो, उसका क्या नाम है, हाथी का गोबर, उससे बन का आता है ये, ठीक है ना। ये रियल है बात, आप पूछ सकते हो किसी जगह जो होम थिएटर वगैरह बनाते हैं। तो देखिए इसकी हम इस पर बॉन्ड फिक्स गिरी हुई है, बॉन्ड फिक्स हुई है कि कोई कोई ग्लू गन गया था, कोई बॉन्ड फिक्स गया था। वैसे अब तो ज़्यादातर ग्लू गन चलती है, बॉन्ड फिक्स काफ़ी कॉस्टली आती है। तो देखिए हम इसकी ग्लू गन हटा लेंगे सारी, ये हमें बाद में भी लगानी होगी। ये किस लिए लगाते हैं देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें इसलिए लगाते हैं जब बाकी जब ये एयर मारे, मतलब इसमें से कोई बेस वगैरह है तो हवा निकलेगी, हवा ना बाहर ना जाए। तो देखिए निकल चुका है, ये ख़राब है, इसको एक हम एक तरफ रख देंगे। हम नया लगाएंगे, पहले इसको सफाई कर लेंगे यहाँ से। देखिए हमने हटा ली, अब तो वैसे क्लियर है। तो हम नया लगाएंगे और दोनों पेच अच्छे से कस देंगे। जैसे आपको पिन ऊपर की तरफ थी, ऐसे ही आपको ये वाली पिन भी ऊपर की तरफ ही रखनी है। नीचे की तरफ रखेंगे तो आपको सोल्डिंग में प्रॉब्लम होगी, बट हो जाएगी, पर आप ऐसे ही लगा दीजिए जैसे लगा रहा था। तो देख लीजिए मैं इसको लगा रहा हूँ, इसके बोल्ट भी ये जो हैं पेच ऐसे ही कस देने हैं, ज़्यादा कैड़े नहीं कसना और ज़्यादा ढीले नहीं कसना, नॉर्मल कस देने हैं जहाँ तक आपको अच्छा लगे, ये हिलना नहीं चाहिए सॉकेट। तो देखिए मैं इसको पहला पेच लगा दे, दूसरा पे लगा दूंगा इसको। दोस्तों इससे जो मिस्त्री होते हैं इसके 60 से 70-80 रुपये ले लेते हैं लगाने के। तो आप इसे खुद भी लगा सकते हैं, आप बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे ही करके खुद भी लगा सकते हैं, मतलब अपने आप लगा सकते हैं क्लियरली। आपको डी टू ऐसे ही कनेक्शन कर देने हैं आपने जैसे हटाए थे। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपको कनेक्शन की बारी हो, तो देखिए मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, वैसे कनेक्शन की बारी हो तो आप पहले फ़ोटो खींच के रख लीजिए जी, जो आपका कनेक्शन नहीं आते तो पहले फ़ोटो खींच के रख लीजिए। देखिए तो मैं इस पर ग्लू गन आप लगा रहा हूँ, दोनों तरफ चारों तरफ लगानी है अच्छे से, कहीं पर लीक ना हो, कहने का मतलब बाहर जो अंदर बेस की हवा आएगी वो हवा बाहर ना जाए, ठीक है। तो देखिए मैं इस पर लगा रहा हूँ क्लियरली,
तो हमने देखिए लगा दिया है। अब यहाँ पे हमारा सॉकेट जो है ना ये रेडी हो गया है लग के, बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल न्यू हो गया है। तो देखिए दोस्तों आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे वरना कोई किसी से मतलब नहीं, मैं बनाता हूँ यार कोई कुछ सीख ले मुझे, वरना कोई पैसा वैसा कुछ मतलब नहीं है इस वगैरह, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कोई मेरी नॉलेज भी और दूसरा भी ले सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट उसमें ज़्यादा होना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।